राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी होली। आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल होली खेल रहे हैं, मैं उन्हें उनके साथ होली खेल रही हूँ और हमने काफ़ी मस्ती की कान्हा के साथ। और दोनों लोग देखिए पूरे रंग में डूबे हुए हैं और ब्लू कलर से तो पूरे ढक गए थे ये। फिर मैंने उनका श्रृंगार किया और ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे थे इस ड्रेस में, मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये। और आपको कैसे लगे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बार बार उनकी भलैया ले रही थी कि कहीं मेरी नज़र उन्हें ना लग जाए। पीली ड्रेस इनके ऊपर काफ़ी जच रही थी। श्रृंगार के बाद मैंने इन्हें मंदिर में बैठा दिया और इनके खाने पीने के लिए फल और मिठाइयाँ रख दी थी। साथ ही मैंने अबीर भी रख दिया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ होली खेलते रहेंगे। और फिर मैं होली खेलने चली गई हस्बैंड के साथ और ये हस्बैंड मुझे अबीर लगा रहे थे, मैं उन्हें अबीर लगा रही थी। अभी हम होली खेल ही रहे थे तभी गेस्ट आ गए, जेंट्स लोग आए हुए थे हस्बैंड से मिलने और होली खेलने। फिर मैं नाश्ता लगाने लगी उनके लिए। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैंने कोई भी रेसिपी शेयर नहीं की है क्योंकि मैं कढ़ाई पनीर बनाई थी और छोला। मैं कढ़ाई पनीर आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, आप वहां से कढ़ाई पनीर की रेसिपी देख लीजिएगा। और जीरा राइस बनाया था, कचौड़ी बनाई थी, पूड़ी बनाई थी, मैंने यही सब बनाया था। अगर मैं रेसिपी शेयर करती तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता, इसलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं की आप लोगों के साथ। गेस्ट को नाश्ता कराने के बाद मैं खुद होली खेलने बाहर चली गई, लेडीज़ लोग बुला रही थी बाहर काफ़ी टाइम से। मैं 12:30 बजे के बाद बाहर निकली थी होली खेलने क्योंकि घर पे गेस्ट आ रहे थे, उन्हें नाश्ता करा रही थी, इसलिए मैं लेट ही निकली होली खेलने। बाकी औरतों की टोली होली खेलने के लिए निकल गई थी, सिर्फ मेरा ही वेट हो रहा था वहाँ पर। और हमने खूब होली खेली, बच्चे तो सुबह से ही इंजॉय कर रहे थे, वो सुबह से ही निकल गए थे होली खेलने। हमारे यहाँ सब बच्चे मिल के मिट्टी में एक बड़ा सा गड्ढा बनाए थे, उसमें पानी भर के उसी में वो खेल रहे थे सुबह से ही। रुपेश छवि वहीं पर थे और होली काफ़ी हमने इंजॉय किया। और होली खेलने के बाद मैं घर गई, फिर मैंने घर को क्लीन किया क्योंकि शाम को गेस्ट आते हैं, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी घर को क्लीन किया, सभी को नहलाया, बच्चों को नहलाया, खुद नहाया और खाना सबको खिला के फिर मैं घर की क्लीनिंग और डेकोरेशन करके फिर मैंने गेस्ट के लिए स्नैक्स लगाया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गुजिया है और ये रसभरी है और कुछ मैंने मार्केट से स्नैक्स लिए थे और कुछ घर पे बनाए थे। और मैंने चिप्स पापड़, ये घर के ही हैं, कुछ मार्केट के भी हैं। और ये सौंफ है और मैंने आधी सौंफ को कलर कर दिया है। ये कचौड़ी है और ये फ्रूट्स है, मैंने इतने ही नाश्ते लगाए थे टेबल पे, टेबल पूरा फुल हो गया था। ये देखिए फ्रेंड्स कैसा लग रहा है गेस्ट के लिए जो मैंने स्नैक्स तैयार किया है। और समय भी हो रहा था गेस्ट के आने का, फिर हम बच्चों को तैयार करके मैं भी तैयार हो गई। और मैं इस कमरे का आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ, मैंने किस तरीके से तैयारी की थी गेस्ट के लिए, मैंने चेयर्स को किस तरीके से रखा था। मैंने चौकी को एक साइड में कर दिया था क्योंकि जगह कम थी और उस साइड में रखने से जगह ज़्यादा बन जा रही थी। फ्रेंड्स, मैंने घर का कुछ ऐसा मेकओवर किया था, ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीव है दुखनीता। आप कैसे हैं, आपने होली कैसे मनाई मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। हमने तो खूब इन्जॉय किया और हम 2-3 बजे तक सिर्फ होली ही खेलते रह गए। और फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ, ये देखिए मैंने गेस्ट के लिए सारी डेकोरेशन की है, घर की पूरी तैयारी मैंने कर ली है होली के लिए कि अभी गेस्ट आएंगे, उनका नाश्ता मैंने लगा दिया है। और अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर में गेस्ट भी आते होंगे। फ्रेंड्स, ये मुझे पिंपल निकल गया था और मैंने काफ़ी कोशिश की पर थोड़ा सा दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये इयर रिंग देखिए कैसी लग रही है, मैंने मीशो से मंगाया है। ये साड़ी मैंने मार्केट से ली है, नेकलेस नहीं पहना है, मैंने सिर्फ एक मंगलसूत्र पहना है और ये छोटा वाला पहना है। फ्रेंड्स, मैंने ये चूड़ियाँ खुद से सिर्फ बना के लगाई है और मैंने इसे मार्केट से लिया है। ये देखिए कैसी लग रही हैं। फ्रेंड्स, मेरे दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं और ये देखिए रुपेश के लिए मैंने ये ड्रेस लिया था, ये कैसा लग रहा था मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने बच्चों के कपड़े ऑनलाइन नहीं मंगाए थे, मैंने मार्केट से ही परचेज किया था
और बच्चे भी तैयार हो गए। शाम हो गया था, गेस्ट के आने का समय हो गया था, लेडीज़ लोग आती हैं अबीर लगाने और वो आ गई थी। पड़ोसियों को नाश्ता कराने के बाद मैं उन्हीं के साथ सब पड़ोसियों के घर गई। हम बारी बारी सभी पड़ोसियों के घर गए हुए थे। हमारे यहाँ सब लेडीज़ शाम को एक दूसरे के घर अबीर लगाने जाती हैं। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे और मेरे सारे वीडियो को फुल वॉच करिए। फ्रेंड्स, हम फिर दूसरे पड़ोसी के घर गए। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे थे, वो टीका लगा रहे थे, पैर छू रहे थे और जितनी लेडीज़ थी सभी को उन्होंने टीका लगाया और उनसे आशीर्वाद लिया। हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, एक दूसरे से ढेर सारी बातें कर रहे थे। होली का ही एक ऐसा त्यौहार है कि जब हम सारी लेडीज़ शाम को सारा काम छोड़ के एक दूसरे से मिलने जाते हैं, बातें करते हैं, इन्जॉय करते हैं। होली एक ऐसा त्यौहार है कि दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। हस्बैंड जेंट्स के साथ सभी पड़ोसियों के घर जा रहे थे और मैं लेडीज़ के साथ जा रही थी और बच्चे साथ साथ ही थे, सारे बच्चे अपनी अपनी मम्मी के साथ ही थे और हमने काफ़ी इन्जॉय किया, बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। शाम के डिनर की तैयारी मैंने कर ली थी। मैं जब होली खेल के आई तभी मैंने सब्जी डिनर के लिए बना ली थी और आटा गूँथ के रख दिया था। चावल सुबह का थोड़ा था, चावल मुझे नहीं बनाना था, सिर्फ मुझे घर पे जाके अब रोटियां बनानी थी, इसलिए मैं भी निश्चिंत होकर टहल रही थी सभी लेडीज़ के साथ। एक दूसरे के घर हम जा रहे थे और यहाँ लेडीज़ लोग का डांस चल रहा था और ये लोग मेरी पड़ोसन है, ये लोग डांस कर रही थी, मैं भी बैठ के इंजॉय कर रही थी उनका डांस। एक दूसरे के घर जाने पर हम कुछ ना कुछ खा ही ले रहे थे और हम सभी लोग का पेट फुल हो गया था। घर पे मैं आई तो किसी ने भी डिनर नहीं किया, सब ने बोला कि पेट फुल है और हम खाना नहीं खाएंगे, तो मैंने भी खाना नहीं खाया, मैंने भी काफ़ी कुछ खा लिया था। सभी पड़ोसियों के घर पर मैंने भी डिनर नहीं किया। हम 11 बजे के लगभग घर पहुँचे और हम काफ़ी थक गए थे इसलिए हम सभी सो गए। मैंने ब्लॉग को यहीं तक शूट किया था और आप सभी के साथ मैंने शेयर किया। आप लोग होली किस तरह से मनाएं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने होली को किस तरीके से इंजॉय किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।